अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर बुशरा अब्रार, बीओएमएस एमडी इल्मुल अदफिया फ्रॉम एकेटीसी एएमयू अलीगढ़। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल ओरिजिन ड्रग अदफिया हैवानिया, ड्रग नंबर 4 खरातीन। खरातीन का हैवानी नाम है फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। खरातीन को कई मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे इसको इंग्लिश में हम अर्थवॉर्म कहते हैं कॉमनली, और इससे एक इसका नाम अमाउल अर्ज भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमा कहते हैं इंटेस्टीन को और अर्ज कहा जाता है मिट्टी को, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है ये मिट्टी में ही रहता है, इसलिए इसको अमाउल अर्ज कहते हैं। इसे ज़िगार भी कहा जाता है। ज़िगार एक फ़ारसी लफ्ज़ है जो नमनाक ज़मीन के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो कीड़ा होता है ये नम मिट्टी में, यानी जो जिस मिट्टी में नमी पाई जाती है उसी में पाया जाता है। ऐसे किर्म गिलखोर भी कहते हैं। किर्म कहा जाता है कीड़े को और गिलखोर यानी कि मिट्टी खाने वाला कीड़ा, क्योंकि ये जो केचवा होता है ये मिट्टी खा कर ही ज़िंदा रहता है, इसलिए इसको किर्म गिलखोर कहते हैं। केचवा हम लोग कॉमनली इसको बोलते ही हैं। अब बात करते हैं खरातीन की मॉर्फोलॉजी की। आई थिंक केचवा तो आप सभी लोगों ने बरसात के दिनों में इसे मिट्टी में देखता हुआ कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये एक सुर्खी मल रेडिश ब्राउन कलर का कीड़ा होता है, जो उमन ये 8-10 इंच तक लंबा होता है, और इसकी ये जो सुर्खी होती है इसके जो खून में हीमोग्लोबिन की कसरत पाई जाती है, इसकी वजह से इसकी ये सुर्खी होती है। और केचवे ऐसी ज़मीन में ही पाए जाते हैं जो नम होती है और इसमें नामियाती मादे यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट से रिच होती है मिट्टी। और इस कीड़े के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बताएंगे। जैसे ये जो कीड़ा होता है ये रोज़ाना अपने वज़न से ज़्यादा मिट्टी को खा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका कि ये जो कीड़ा होता है इसके जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका पूरी बॉडी की लेंथ में होता है ये, और इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ये अपनी स्किन से ही सांस लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका कि इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही कीड़े के अंदर इसमें मौजूद रहता है, यानी ये एक ही जो केचवा होता है वो एग भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है। और ये दिखने में ये छोटा सा कीड़ा 8 साल तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जब हम इस कीड़े को जब हमें दवा के तौर पर इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो इसके अंदर मिट्टी है उसको साफ़ कर लिया जाए पहले। तो इस मकसद के लिए खरातीन को पहले मुसफ़ा किया जाता है। अब इसको मुसफ़ा करने की तरकीब हम सैदला में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं खरातीन का मिजाज क्या है। तो इसका मिजाज है गर्म तर, लेकिन बाज़ अतिब्बा के नज़दीक इसका मिजाज गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। अब आते हैं इसके एक्शंस की तरह। तो इसका जो मेन एक्शन है ये है मुकव्वेबा, ये एफ्रोडीसिक होता है, यानी ये मेल जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं इसको इम्प्रूव करता है, तक़वियत-ए-बा का काम करता है। इस मकसद के लिए इसको दाखली और ख़ारजी यानी इंटरनली भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं पाउडर फॉर्म में रोगन में मिलाकर, और इसको हम एक्सटर्नली भी इसका रोगन अप्लाई कराते हैं। ये मुहल्लिले औराम यानी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। तो इस मकसद के लिए हम इसका जो खरातीन को ज़िमात बनाकर लोकली इसको इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुसक्किने औजा यानी एनाल्जेसिक भी है। औजा बना है वजह से, वजह कहते हैं दर्द को यानी दर्द में तस्कीन देने वाला। इस मकसद के लिए भी हम एक्सटर्नली इसको ज़िमात के तौर पर या रोगन के तौर पर लगाते हैं। अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। तो इसको जैसा कि हमने बताया है कि ये मुकव्वेबा है, तो हम इसको ज़ोफेबा में इससे रिलेटेड सारी कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और इससे जराहत में और औराम हार्रा में यानी कि जो ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं और वर्मी कैफियत होती है उन सब में हम इसको ज़िमादन इस्तेमाल कराते हैं। और इससे ज़रबा व सख्ता में भी इस्तेमाल कराते हैं। ज़रबा व सख्ता यानी चोट लगना बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो इसमें हम इसका ज़िमात बना के लोकली अप्लाई कराते हैं। इसकी मिकदार ख़ुराक है 1 से 3 ग्राम। इसकी मिट्टी साफ़ करने के बाद इसको पाउडर बना के 1 से
3 ग्राम तक मकदार खुराक है इसकी, इतना हम पाउडर बना के इसे दे सकते हैं मरीज़ को। लेकिन एक्सटर्नली इसका एप्लीकेशन कराते हैं और यही ज़्यादा वाइडली यूज है, इंटरनली इसका इस्तेमाल कम है, ये मकरू माना जाता है। इसके जो कीमियावी अज्जा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें कॉपर होता है, आयरन सल्फेट होता है, प्रोटीन है, फैट है। इसका जो मुज़िर असर होता है, इसका मुज़िर असर अतिपा ने बताया है कि ये मैदा और अमा के लिए मुज़िर होता है अगर इसको हम इंटरनली इस्तेमाल करा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें मूसले इसके साथ मिला देंगे, किसी रोगन बादाम या रोगन जैतून वगैरह के साथ हम इसका अमूमन पाउडर इस्तेमाल कराते हैं अगर इंटरनली भी हमें देना भी है तो इसलिए इसका कोई मुज़िर असर नहीं आता है। इसका मशहूर मुरक्कब है रोगन खरातीन, इसका बहुत मशहूर मुरक्कब है और तिला जदीद भी इसे बनाया जाता है। ये दोनों ही एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, अल्लाह।